आज की क्लास में एक्सेल में हम डेटा वैलिडेशन के बारे में जानेंगे। डेटा वैलिडेशन आपको एक्सेल के डेटा टैब पर यहाँ पर मिलेगा। डेटा टैब पर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है डेटा वैलिडेशन। नाम से ही स्पष्ट है कि डेटा वैलिडेशन का काम होता है इनपुट किए हुए डेटा की वैलिडिटी चेक करना और उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना। आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि इसके आइकन्स में दिया हुआ है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो कभी कभी ये होता है कि जो हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है उससे टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाती है, और ये कोई रोक नहीं सकता। हर आदमी कुछ ना कुछ परसेंट डेटा का गलत टाइप कर देता है, गलती से होता है ये। उसको रोकने के लिए, उस मिस्टेक को रोकने के लिए डेटा वैलिडेशन ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर अपना डेटा की टाइप कर रहा है जिसमें वो कुछ नेम टाइप करता है, रोहन क्लास टाइप करता है और उनकी एज टाइप कर रहा है, उसी प्रकार से उसने सोहन टाइप किया, उनकी क्लास टाइप किया और उनकी एज टाइप किया 23। उसके बाद फिर से उसने राजेश टाइप किया, पीजीडी से टाइप किया और क्लास उसका एज टाइप कर रहा था। सामने वाले की जो एज है वो 25 है, और जल्दी जल्दी टाइप करने के चक्कर में उससे गलती हो गई, एक जीरो लग गया, या फिर उसने इस तरीके का टाइप कर दिया, गलती से दो बार दबा दिया, या फिर 5 को थोड़े देर तक दबा के रखा और गलती से उसने 25 की जगह 255 एंट्री कर दी। क्लियर है? तो इस तरीके से डेटा वैलिडेशन जो है ये इनवैलिड डेटा कहलाएगा। किसी की भी एज 255 ईयर्स की नहीं होती है, लेकिन एक्सेल में ये डेटा टाइप हो गया, उसने नेक्स्ट डेटा टाइप किया, फिर बढ़ता गया वो, और उसने ध्यान भी नहीं दिया, वो थोड़ा जल्दीबाजी में था, इस तरीके से डेटा टाइप करते गया। जब ये डेटा हमारे पास सामने आया तो यहाँ पर इस राजेश का जो डेटा था वो इनवैलिड पाया गया, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि डेटा एंट्री करते समय गलती हुई है। आपने कई बार आधार कार्ड बनाया होगा, पैन कार्ड बनाया होगा, जो वहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं आपके नाम की स्पेलिंग गलत कर देते हैं, एड्रेस गलत कर देते हैं, मेल के जगह फीमेल कर देते हैं, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है। वो सारी मिस्टेक कंप्यूटर की वजह से नहीं बल्कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की गलती की वजह से होती है, जो जल्दबाजी में की जाती है। ऐसी गलती ना हो एंट्री करते समय उसको रोकने के लिए डेटा वैलिडेशन ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो डेटा वैलिडेशन ऑप्शन का यूज़ करने के लिए हमको क्या करना होता है, हम देखते हैं। सबसे पहले जहाँ पर हमको गलती होने की संभावना है वहाँ पर हम इस पूरे सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा टैब पर जा कर के डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में तीन अलग अलग स्टेप होते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। तो डेटा वैलिडेशन करने के बाद हम यहाँ पर गलत एंट्री, अगर ऑपरेटर गलती से गलत एंट्री करेगा तो एक्सेल खुद ब खुद उसे डिटेक्ट करेगा जो सेटिंग आपने यहाँ दी है उस सेटिंग के अकॉर्डिंग, और फिर मैसेज डिस्प्ले करेगा, और अगर आप उसके बाद भी गलती करेंगे तो एरर अलर्ट डिस्प्ले करेगा, ताकि और डाटा एंट्री ऑपरेटर को पता चल जाए कि यहाँ पर उसने गलती से गलत डेटा इनपुट कर दिया है। तो अगर मैं जानता हूँ कि किसी की एज 1 से लेकर के 100 के बीच में होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 105 के बीच में होती है, तो मैं यहाँ पर जो सेटिंग दे रहा हूँ उसमें देता हूँ कि मैं डेसिमल वैल्यू एंट्री होगी, यानी किसी की जो एज होगी वो नंबर ही होगी। अगर कोई यहाँ पर ABCD टाइप करेगा तो वो एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। क्लियर है? तो पहली सेटिंग है कि इस जगह पर हमको डेसिमल एंट्री करनी है। बिटवीन लिखा है, यहाँ पर मैं लिखूंगा मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू 105, यानी कि 1 और 105 के बीच की वैल्यू को वैलिड मानेगा, उससे कम और उससे ज़्यादा वैल्यू को जो वो इनवैलिड मानेगा। क्लियर? ये मेरी सेटिंग हो गई। उसके बाद इग्नोर ब्लैंक कर दिया। इग्नोर ब्लैंक मतलब ब्लैंक वैल्यू छूट जाएगी यहाँ पर, ब्लैंक अगर इसको हटा दोगे तो ब्लैंक वैल्यू भी छोड़ोगे तो फिर वो एरर मैसेज देगा, यानी सबकी एज डालना कंपलसरी हो जाएगा। इनपुट मैसेज, अब यहाँ पर कोई इनपुट करने के लिए आएगा तो उसको एक मैसेज देना है, तो मैं यहाँ पर जानबूझ के टाइटल दे देता हूँ। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जानबूझ के यूजर डिफाइंड टाइटल दिया है, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो हमारा दिया हुआ है, ना कि एक्सेल का प्री डिफाइंड मैसेज है। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्लीज
enter age between 1 to 105. मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया, ये मैसेज सेटिंग कर दी मैंने, उसके बाद एरर, उसके बाद भी अगर गलती कर देता है ऑपरेटर तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और स्क्रीन रुक जाएगी वहीं पर और मैसेज आएगा, ये वाला निशान आएगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसा निशान आए या जैसा भी निशान, जैसा भी आइकन आए, और साथ ही साथ अगर स्पीकर लगा हुआ है तो स्पीकर से आपको साउंड भी सुनाई देगा। फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरर, इस तरीके से मैंने एरर अलर्ट दे दिया। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा तो देखिए, जब मैं यहाँ पर रखता हूँ माउस तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर माउस को रखूंगा यहाँ पर देखिए कि इनपुट मैसेज आया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इनपुट मैसेज आया और उसमें पूछा जा रहा है इनपुट मैसेज बाय साईं परित। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इनपुट करने के लिए तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है और मैं यहाँ पर 5 एज देने पर वो एक्सेप्ट कर ले रहा है, 105 देने पर एक्सेप्ट कर ले रहा है, लेकिन 106 देने पर वो एरर मैसेज दे दे रहा है क्योंकि 106 जो है इनवैलिड वैल्यू है। और यहाँ पर देखिए इनवैलिड वैल्यू के लिए अलर्ट बाय साईं कॉलेज और इनवैलिड, फिर रिट्राई करेगा 106 को वो इनपुट ही नहीं लेगा, माइनस 5 एज देने पर वो इनपुट एरर में गलती है इसलिए बोल मैसेज देगा। साथ ही साथ आप ए बी सी डी वाला डेटा देंगे तो भी वो इनपुट नहीं लेगा, यानी ऑपरेटर टाइप करते हुए अगर 25 की जगह पर 255 कर देता है तो एक्सेल उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं की जाएगी। इस तरीके से डेटा की वैलिडिटी एक्सेल खुद चेक कर लेता है और डेटा एंट्री ऑपरेटर से द्वारा की गई गलती से की गई मिस्टेक को या डेटा एंट्री की मिस्टेक को कम करने की संभावना बढ़ा देता है डेटा वैलिडेशन वाला जो ऑप्शन है। इस तरीके से हमने डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन को भी समझा।